बी कर्व्ड आउट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है. लार्जेस्ट स्फीयर को कर्व आउट किया जाता है, काट कर निकाला जाता है एक सिलेंडर में से. ठीक है, जैसे पहले मैं एक सिलेंडर यहाँ बना देता हूँ जिसका रेडियस और हाइट दिया हुआ है. सिलेंडर का रेडियस और हाइट यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो जाएगा. इसमें से कट करके निकाला जाता है, इसका हाइट और रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है. देख लीजिए, हाइट दिया हुआ है और रेडियस भी दिया है. तो रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर. इसमें से कट करके कर्व करके निकाला जाता है, कर्व आउट किया जाता है इसमें से इस तरह से. तो जो हमें स्फीयर कट करके निकालेंगे उसका रेडियस इसके रेडियस के इक्वल ही होगा, है ना जी. क्योंकि देख लो इधर से रेडियस 8 7 7 14 हो जाएगा ये, तो हाइट भी इसका 14 है और इधर से भी 14 हो जाएगा. तो इसलिए इसका रेडियस जो होगा इनके रेडियस के इक्वल होगा. यहाँ पर लिख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ स्फीयर या लार्जेस्ट स्फीयर, द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर विच टू बी कट आउट फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर बी 7 सेंटीमीटर. यानी कि रेडियस हमें यहाँ पे मिल गया रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर जो होगा उसका रेडियस जो हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया. तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो कि हो जाएगा यहाँ पर 4/3 πr³. चलिए अब इसमें रखते हैं, हो जाएगा अब यहाँ से क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 4/3 × 22/7 और r है 7 × 7 × 7 cm³. तो 7 से 7 कैंसिल, बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 88 में 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4312 और बाई में 3 cm³. तो अब चलिए अब इसमें हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1437.33 cm³. ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर. क्वेश्चन नंबर 4.